महाअष्टमी के पावन अवसर पर चरोदा स्थित हनुमान मंदिर में अष्टमी हवन पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं इस अवसर पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल सह परिवार शामिल हुए, साथ ही नगर के गणमान्य नागरिक भी शामिल होकर पूर्ण आहुति दी। शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी पर्व पर चरोदा स्थित हनुमान मंदिर में महाअष्टमी पर हवन पूजन का कार्यक्रम किया गया। सैकड़ों की संख्या में यहां श्रद्धालु उपस्थित होकर हवन कुंड में आहुति डालते नजर आए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान मंदिर में सबसे पहले सुबह 8 बजे माँ दुर्गा की आरती कर महाअष्टमी हवन किया गया। हवन का कार्यक्रम पंडित संतोष शर्मा के द्वारा संपन्न कराया गया। दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल यहां सब परिवार हवन पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हवन कुंड में आहुति देते नजर आए। समिधा की खुशबू से चारों ओर का वातावरण सुगंध में तब्दील हो गया था। वहीं मंदिर में सैकड़ों ज्योति कलश की स्थापना की गई है। सभी लोगों ने दर्शन कर अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, माता रानी सबका कल्याण करे। इस हवन पूजन कार्यक्रम में शामिल सांसद विजय बघेल ने साथ ही मंदिर के पुजारी संतोष शर्मा ने नवरात्र पर्व और दशहरा पर्व की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी है। माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आज नवरात्रि के पावन पर्व का अष्टमी का शुभ दिन है और इस दिन हम सब मिलकर, सभी भाई बहन बुजुर्ग सारे बच्चे मिलकर माँ अम्बे की माँ दुर्गे की प्रार्थना करके आज के दिन जो लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं तो आज के दिन हवन पूजन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना माता से करते हैं। और जो ये प्रतिष्ठित मंदिर है, सैकड़ों सालों से यहाँ हनुमान जी मंदिर दक्षिण की हनुमान जी जहाँ पर आने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है, हम लोग यहाँ आकर हर साल इसी तरह अष्टमी के दिन सुबह हम लोग हवन पूजन करते हैं और पंडित संतोष शर्मा जी के सानिध्य में हम लोग माँ के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद करते हैं। मैं सभी को, पूरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को, बच्चों को, युवा साथियों को, साथ ही साथ मेरे दुर्ग लोकसभा के सभी मेरे प्रिय मतदाता भाइयों बहनों को, जनता को इस शुभ अवसर की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। हम सिर्फ मिलकर माँ के आशीर्वाद से अपने छत्तीसगढ़ को और ज़्यादा विकासशील, प्रगतिशील, संसारी, शांतिमय, सद्भावपूर्ण बना सके और हिंदुस्तान को विश्व के शिखर पर ले जाने में हम सबकी भूमिका हो, ऐसी माँ से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी में आदमी जो है वर्णन करने में चुप्त हो जाती है, लेकिन बहुत अपार विषय है कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी निरंतर जो हमारी ज्योति कलश प्रज्वलित की जा रही है हनुमान मंदिर चरोदा में, वह नित्य निरंतर जागृति की ओर है। और इस समय हमारे यहाँ लोगों की मनोकामना पूर्ण ज्योति 431 प्रज्वलित की गई है और जलने में 433 होती है, क्योंकि सब अपने ही लोग हैं और अपने लोग के कारण कभी कभी नाम जो है इधर उधर भूल चूक हो जाती है। उस भूल चूक के कारण हमने भरपाई के लिए अपने एक तरफ से ज़्यादा ज्योति कलश जला के रखते हैं कि किसी की जो भी राशि जमा हो वह निरर्थक ना हो। जिस तरह 220 में हान कोरोना काल के समय में हमारे यहाँ ज्योति कलश स्थापित की गई थी, और स्थापित नहीं की गई थी, बंद हो गया था। बंद होने के बाद जो ज्योति कलश है, एक साल हमने सबको मौका दिया, हमारे भक्तजनों को, माता भगवती की, समस्त लोगों को, और उसमें से पिछले वक्त कुछ ज्योति कलश जो है। नवरात्रि का पर्व शक्ति के रूप में मनाया जाता है। महाअष्टमी हवन के बाद नवमी हवन होगा, तत्पश्चात जो जवारे का विसर्जन भी किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।